जी मैं इस वक्त डस्का निस्बत रोड गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मोहम्मद रमज़ान नामी हेड बम्बा वाला का रहायशी मौजूद है, जो एक कुतबा उठाए हुए हैं और इनका बाजू ठीक नहीं है। इनसे जानते हैं कि ये इस तरह क्यों बैठे हुए हैं और इनका मसला क्या है। जी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है, मैं बम्बा वाले का रहने वाला हूँ और मेरा बाजू पट्ठे कुतरदियाँ जिमीदारा ना काम करदियाँ पट्ठा कुतरदियाँ बेच आया, तो मुड़ के कोई गलबात ही कोई नहीं, हालात खराब हो गए। हालात खराब की वजह तो फिर इतने मैनू एक महीना 10 दिन हो गया काम करते। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चियाँ मेरिया। अच्छा, 3 बच्चियाँ। कितनी देर से ये कह रहे हैं हालात खराब है आपका? तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने 20 दिन हो गए। बच्चियाँ सब पढ़ती हैं, जवान हैं क्या? नहीं, छोटियाँ बच्चियाँ। स्कूल जाती हैं क्या? नहीं। स्कूल क्यों नहीं जाती? पैसे नहीं आया स्कूल के लिए, खर्चा ही नहीं आया, कहाँ भेजें, रोटी नहीं पूरी होती, खर्चा कहाँ, मकान भी नहीं है अपना, की करें। जी जैसा कि आपने सुना है, इनका मकान भी नहीं है, इनकी बच्चियाँ भी तलीम हासिल नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एनजीओ का ये कहलाने वाला शहर डस्का में ऐसे अफराद का सड़कों पर बैठना एक सवालिया निशान है। राणा मोहम्मद अफजल, रोज़ न्यूज़, डस्का।